चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी भले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा ये बिल है आपके लिए लेकिन मैंने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है तो ये बिल कैसा है ये बिजली का बिल है ना कौन बिजली मेरे पापा कोई बिल विल नहीं भरेंगे माँ जी और अब वो इस घर का खर्चा भी नहीं उठाएंगे ओए कैसे नहीं उठाएगा है इतना सारा पैसा का अपनी कबर में लेके जाएगा वो है नबील अब पापा ना ही इस घर का खर्चा उठा सकते हो ना ही उस घर का अरे ऐसा क्या हो गया है पापा जी का सारा पैसा जुए में हार गए यही समझ लो यार नबील अगर खूबसूरत के कांटे और अंगूठी बेच के पैसे मिल ही गए थे तो कुछ पैसे आगे के लिए बचा के रख लेते ओ यार दफा करे मामू साहब जब तक हाथ में पैसे हैं तब तक अय्याशी करते हैं क्यों माँ जी ओ हेलो आवाज नीचे कर अब तेरे पास पैसा नहीं है जो मैं तेरा लिहाज करूं मोटे अरे वो सब झूठ था सिर्फ तुम लोगों को आसमाने के लिए पापा जी आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं हाँ पापा जी हम तो मजाक कर रहे थे आपके साथ क्यों नबील हाँ पापा जी हम लोग घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे हमने सोचा को गेम खेलते हैं क्यों मामू साहब हाँ, वरना हमारी ऐसी जरूरत हो सकती है कि हम आपकी बेटी पे जुल्म करें पापा जी मैं तो ख्वाब में भी खूबसूरत पे जुल्म करने का नहीं सोच सकता तो ये सब मजाक था जी जी पापा जी बिल्कुल मजाक था आपको तो पता है हम आपकी बेटी और उसकी बेटी का कितना ख्याल रखते हैं हाँ वो देखिए अगर आपकी दूर की नजर सही है ना वो देखिए वो कितने प्यार से खूबसूरत को अपने हाथों से पिज्जा खिला रही है वाह वाह शाबाश पुत्र खा और खा आसमान जी और नहीं और खा सारा मां जी मेरा पेट भर गया है और नहीं तुझे पूरा फिनिश करना होगा क्या हाँ देख जरा खुद को कितनी वो हो रही है क्या वो वही जो आजकल की मॉडलें होती हैं ना फिट नहीं नहीं वो जो पतली पतली मॉडलें होती हैं ना हाँ पतली कितनी पतली हो गई है खा और खा प्लीज मां जी नहीं प्लीज तुझे मेरी कसम है और खा रहे ओ यार महमूद साहब क्या हो गया आपको जरा प्रॉपर जोर लगा के दबाए ना यार पापा जी के कंधे वो जो जोर से दबाने हैं वो पापा जी के कंधे हैं हाँ जी आप क्या गलत समझ रहे थे बस भाई बस बहुत हो गया क्यों पापा जी अब मैं जा रहा हूँ पापा जी आप अभी तो आए हैं कुछ दिन तो रुक के जाए ना कम अज कम एक महीने का राशन तो डलवा कर ही जाएंगे महमूद साहब का मतलब है कि कुछ दिन तो हमें खिदमत का मौका देना पापा जी मैं वापस नहीं जा रहा फिर कमरे में आराम करने जा रहा हूँ एक मिनट पापा जी मैं आपके लिए ना वो बेड की चादर बदल दूंगा अरे नबील जब सदीकी साहब कमरे से निकलेंगे तब बदल लेना पापा आप कुछ नहीं खाएंगे क्या क्यों नहीं खाएंगे पापा जी मैंने पापा जी के लिए 5 किलो कुन्ने का ऑर्डर दे दिया चुप कुन्ने कुन्ने हाँ मैं मूसा बस पैसे देने बाकी हैं खूबसूरत चलो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी हाँ जानू आप पापा और बेटी ना आराम से बातें करो मैं और महमूद साहब पापा जी के खाने का बंदोबस्त करते हैं क्यों महमूद साहब हाँ क्यों नहीं भाई चले पापा जी मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ हाँ हम भी चलते हैं कमरे में नहीं दरवाजे तक आपको छोड़ना है ऐसा ना हो ना कि रास्ता ही भूल जाए आप चले पापा जी चले मैं तुम्हारा खोल लूं पापा जी के लिए खूबसूरत बेटा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है पापा ये सब हो क्या रहा है आपने कल ही तो मुझे बताया था कि आपका पार्टनर आपके साथ फ्रॉड करके भाग गया है और आपका बिजनेस ठप हो गया है हाँ। तो इतनी जल्दी सब कुछ वापस कैसे आ गया है पापा अरे कुछ वापस नहीं आया खूबसूरत क्या अरे मैं लुट गया बर्बाद हो गया मेरी बीवी मुझको छोड़कर चले गई मेरा घर बर्बाद हो गया मेरा मकान मुझसे छिन गया तो आपने उन लोगों से झूठ क्यों बोला है पापा अरे झूठ ना बोलता तो और क्या करता मैं तो इस उम्मीद से आया था खूबसूरत कि कुछ दिन यहाँ रह लूंगा लेकिन यहाँ आकर इन लोगों का सलूक तुम्हारे साथ देखकर मैं डर गया पापा मुझे लगा जब ये घटिया लोग तुम्हारे साथ ये सलूक कर सकते हैं तो मेरे साथ क्या करेंगे इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि यहाँ कुछ दिन आराम से सुकून से रह सकूं पापा रोए मत प्लीज यार नबील ये तुम्हारा सुसर तो बनाया घटिया आदमी निकला है अरे महमूद साहब उस मोटे सांड ने हमें बेवकूफ बनाया हमारे साथ झूठ बोला उस नीच इंसान ने हमें वो दिया है वो क्या माची वही जो धोखेबाज देते हैं ना हाँ हाँ धोखा उस
नीच इंसान ने हमें धोखा दिया है। वो तो आस्तीन का वो निकला। वो क्या? वो जो आस्तीन में होता है बटन? नहीं, वो जो काटता है जूता। हाँ जूता पुत्र, वो तो आस्तीन का जूता निकला। सांप माँ जी, सांप। कहाँ है सांप? कहाँ है सांप? अरे सांप निकला यार। पुत्र हमारे घर से सांप कहाँ से निकला है? ओ माँ जी, मैं तो आपको याद दिला रहा था यार। ओ बेशरम, तुझे सांप ही रह गया था याद दिलाने को। हाँ सांप। ओए तेरा सुसर ना आस्तीन का सांप निकला है। ओ यार मैं मुझसे बताया उसका करना क्या यार? सांप का? अबे नहीं यार, वो कहाँ सांप है यार, वो जगलोल का, मेरे सुसर का। नबील, उस घटिया आदमी को घर से उठा कर बाहर फेंको। क्या हो गया मेहमू साहब आपको? उसको नींद से उठाने के लिए 6-7 बंदे चाहिए, घर से उठाने के लिए तो क्रेन मंगवानी पड़ेगी बड़ी वाली। क्या हुआ मोमो? अरे मैं गुस्से में हूँ। मुझे तो लग रहा है कि तुम नशे में हो। उस घटिया इंसान को इस घर से बाहर कैसे निकालना है ये मैं बताऊंगी। मैं उसको बाहर फेंकूंगी। वो कैसे? आओ मेरे साथ। आओ फिर इसके साथ। मोमो सदीकी। अरे मोमो सदीकी बाहर निकल। बाहर निकल। क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? अभी तो मैं सिर्फ शोर ही मचा रही हूँ। जो आ गया ना मुझे गुस्सा, तो मैं फिर टक्कर भी मार सकती हूँ दीवार पर। और नहीं तेरे अबे के पेट में। क्या? ये क्या बदतमीजी है? हमने कान लगा के तेरी सारी बातें सुनी है गरीब आदमी। क्या? हाँ, हमें बेवकूफ बना रहा था, हमसे झूठ बोल रहा था। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बकवास बंद कर और अपनी बेटी को लेके ना निकल जाए इधर से। देखो ऐसा मत करो, मैंने बहुत अरसे तक तुम लोगों को खर्चा भेजा है। हाँ, अब तू नहीं भेज सकता ना, इसलिए तेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, वरना हम पागल है जो तेरी बेइज्जती करते हैं। नबील, तो मेरे पापा को घर से निकाल रहे हो यार। चल अकेले नहीं निकाल रहा है, इनके साथ तुम्हें भी निकाल रहे हैं। चल भाई फिरकी ना घुमा मेरी, चलता बन। मुझे घर से मत निकालो, जो तुम लोग कहोगे मैं करूंगा। अबे तले ना डाल तो के बच्चे, जल्द निकल यहाँ से, अब तू किसी काम का नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं बहुत काम कर सकता हूँ, मुझे नौकर बना के रख लो मालिक। हाँ नौकर बना ले, ताकि पहली तारीख को तो तनख्वाह मांग ले हमसे। नहीं नहीं, मैं पैसे भी नहीं लूंगा। वैसे वैसे चल फिर ठीक है, अब जा हमारे खाने के लिए ना, शाम के खाने के लिए कुछ लेकर आओ। ठीक है मालिक। पैसे? ओए अभी तो तूने कहा था पैसे नहीं ले रहा। वो तो मैंने काम करने के पैसे लेने से मना किया था। हम भी तुमसे काम ही करा रहे हैं, चल ले गया। अरे मैं कैसे लाऊंगा कुछ खाने के लिए? चोरी कर, डाका डाल, भीख मांग, कुछ भी कर। ओ माँ जी, इस जैसे मिस्टंडे को भीख कौन देगा यार? नबील मेरे ख्याल में इसको वो छोटे वाला ना ठेला ले देती है, बेरिंग वाला, उसमें भीख मांगेगा ये। ओ यार मैं मूसा भी, उसमें पूरा कैसे आएगा? अगर पूरा भी आ गया तो इसको खींचेगा कौन? फिर क्या करें यार? मैं तो कहता हूँ इसके दोनों हाथ काट के ना इसको टुंडा बना देते हैं, इसको भीख ज्यादा मिल जाएगी। मैं लेकर आता हूँ, चाहे मुझे चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए लेकर आता हूँ। पापा, पापा चुप कर, पापा की बच्ची। कुछ तो शर्म करे, कितने एहसान किए मेरे पापा ने आप लोगों के ऊपर, और आप लोग इनके साथ ये कर रहे हैं। कान खोल के सुन लो खूबसूरत, अगर तुमने इस घर में रहना तो तुम्हें भी काम करना होगा। मैं क्या काम करूंगी? वो मैं बताती हूँ, जा जाके मेरे कपड़े धो पहले। नबील शट अप। ओके नबील। चलेगा दोनों माँ बेटी को? ओ बाप माँ जी। हाँ, अब पता चलेगा दोनों माँ बाप को। अरे सिर्फ उन्हें ही नहीं, हमें भी पता लगेगा। क्या मतलब? अरे यार हम उन दोनों को तो घर से निकालने का प्लान बना रहे हैं, और लेकिन हम क्या करेंगे, किराया कैसे देंगे? नबील वो यार ये तो हमने सोचा ही नहीं, कहीं हमें नौकरी ना करनी पड़ जाए। नबील अरे मेहमू साहब सिटे आ गए आप, ऐसी घटिया बात आपने सोची भी कैसे? तो और क्या करेंगे भाई? ओ यार मैंने तो अमीर आदमी की बेटी से शादी इसलिए की थी कि मैं याशी करूंगा, मुझे क्या पता था ये मोटा सांड कंगाल हो जाएगा। आ गया, आ गया। अरे कौन आ गया? मोमो। आइडा आ गया। मंसूर। महमूद। नहीं महमूद नहीं, आइडा आया है। आइडिया माँ जी, क्या आइडिया आ गया? मैं तेरी किसी अमीर आदमी की बेटी से ना दूसरी शादी कराऊंगी। क्या? हाँ तभी हमारे हालात सुधरेंगे। अरे वाह माँ जी, माँ हो तो ऐसी। हालांकि ये ऑफर तो मुझे भी कर सकती थी मोमो। लेकिन माँ जी इतनी जल्दी लड़की मिलेगी कैसे? और तू ये मुझ पर छोड़ दे, वो फरखंदा आंटी है ना, उसके पास एक से एक अजीब और अमीर लड़कियों के रिश्ते होते हैं। ओ माँ जी जल्दी करें ना, फरखंदा आंटी को फोन करें ना यार। हाँ 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 बस यूं समझ ले फरखंदा,
कि शादी बस अभी करनी है, आज ही करनी है। ना 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 ना, ये जरूरत नहीं है। हाँ, लड़की हसीन ना भी हो पर बाप अमीर होना चाहिए है। बहू साहब यार, शक्ल क्यों छोड़े, शक्ल भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। अरे नबील, अगर शक्ल अच्छी होगी तो कोई तुम्हें अपनी बेटी क्यों देगा भाई। हाँ ये भी है, चल डन करें यार। अच्छा पुत्र, वो लड़की इधर पहुंच रही है शादी के बगैर। चुप है, वो तुझे देखने आ रहे। कि आप लोग किस लड़की की बात कर रहे हैं? मैं अपने पुत्र जलील की ना दूसरी शादी करवा रही हूँ। ओ मां जी, नबील। हाँ हाँ, नबील की दूसरी शादी करा रही हूँ। क्या? हाँ। नबील तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे हटो, इतने एपिसोड के बाद तो मुझे किसी लड़की के साथ चांस मिल रहा है। नबील मेरा नहीं तो कम से कम चांदी का ही सोच लो। ये सब मैं चांदी के लिए ही कर रहा हूँ, मैं उसके बाप को दूसरी बीवी का प्यार देना चाहता हूँ। नबील अच्छा, जाके बाथरूम साफ करो, मलका जज्बात ना बनाने की। चला लो जी, महमूद साहब भी बचती है, आप हो गए ना बाथरूम से गई। मैं जरा चेंज करके आया। अबे क्या मुंह? नहीं नहीं कपड़े। अरे अच्छे भले तो है, अगर चेंज करना है तो मुंह चेंज करो। बस कर दे महमूद साहब। इस तरह भी तो ठीक ही लग रहा हूँ। अरे अरे नबील, क्या कर रहे हो, मुझे दरवाजा खोलने दो, तुम धुला हो। अरे महमूद साहब, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। एक काम करें, लड़की देख के बताए कैसी। अरे नबील, लड़की तो कोई खास शक्ल की नहीं है। अच्छा महमूद साहब, चले कोई बात नहीं, उसके सामने मैं खूबसूरत लगूंगा, उसका बाप तो अमीर है ना, कंफर्म करें ना यार। अच्छा एक मिनट, मैं कंफर्म करता हूँ फिर अंदर आऊंगा। ठीक है जी। आप? जी मैं खुशबू। हाँ वो तो आ रही है। अगर राम को छोड़े, ये बताएं कि आपके पापा अमीर हैं? जी जी मेरे पापा अमीर हैं। अरे बहू तो तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना, अंदर आओ। बहादुर से मंगाए। आप आए ना? माफ करना पुत्र, घर में बस इतने ही चावल थे। ओ माँ जी जल्दी से चावल उठाए, इसकी बिरयानी पकानी है। अच्छा वशे, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है, काम वाली? अरे आप ये किसी काम की नहीं, काम की तो आप है, आप चले ना प्लीज। नबील तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐ नौकरानी, मुझसे फ्री होने की कोशिश मत कर। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे बाप को घर से बाहर निकाल दूंगा। चलो चलो, समेटो समेटो चावल, चलो तब चले चले, आप चले, आप चले, चलो चलो चलो। आजा पुत्र आजा। हाँ शाबाश मेरी बच्ची, आ यहाँ बैठ। शाबाश। और सुना पुत्र, कल ही आई है? नहीं नहीं, ड्राइवर के साथ आई हूँ। हाँ तो बाहर क्यों खड़ा किया, मैं अंदर बुलाओ उसको। नहीं नहीं खड़ा नहीं है, वो तो चला गया सवारी लेने। पुत्र तेरी गाड़ी भाड़े पर चलती है? नहीं तो। हाँ तो फिर ड्राइवर किधर चला गया? अरे वो टैक्सी ड्राइवर था ना। तुम टैक्सी में आई हो? जी। क्यों, गाड़ी नहीं है आपके पास? अरे गाड़ियाँ तो बहुत है मगर मुझे चलानी नहीं आती ना। मसला नहीं है, मसला नहीं है, मैं सिखाऊंगा आपको। मैं आपके पास गाड़ी है? लो एक गाड़ी, बस एक गाड़ी। अरे नहीं नहीं, गाड़ी तो बहुत है, बाहर पार्किंग में देखी होंगी ना आपने। लेकिन बाहर पार्किंग में तो कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। अब नबील लगता है गाड़ी फिर चोरी हो गई। कोई कोई बात नहीं मामू साहब, कल और मंगवा लेंगे। यार तुम कितनी गाड़ियाँ मंगवाओगे, तुम एक ताला क्यों नहीं मंगवा के लगवा देते गेट को? मामू साहब आपका इतना बड़ा घर है, कोई नौकर वोकर नहीं है? नौकर? मालिक मालिक, मेरी बड़ी कुट लगी है, 5-6 आदमियों ने मिलकर मारा है, बड़ी मुश्किल से 2 केले और 4 सेब लेकर मैं चुरा के भागा। ये कौन है? ये हमारा नौकर है। ये लड़की कौन है? ये लड़की तुम्हारी नई मालकन है। तूने देखा पुत्र, हम अपने नौकरों का कितना ख्याल रखते हैं, कहीं देखा है तूने इतना मोटा ताजा नौकर? अरे हमारे हिस्से का भी खाना यही ठूस जाता है। मोटा, इन फलों का क्या करूं मालिक? जा अपनी बेटी के पास ले जा और याशी कर, चल जा खा लड्डू मोटा। आप भी खाएंगे? मैं तो अब सबर का फल ही खाऊंगा। खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहे हैं, जा जाके किचन में चाय बना, कुछ चीजें वीजें उसमें रख खाने की, और लान में हमारे लिए ले के आ। अच्छा जी। चलो जी हम सब लॉन में बैठ के चाय पीते हैं फिर। माँ जी मुझे ना लड़की के साथ अकेले में बात करने देना। ना पुत्र, अकेले में डर लगना इसको। हाँ जी चलो चलो। रो नहीं तो और क्या करूँ पापा, नबील दूसरी शादी कर रहा है। क्या? जी हाँ, उसे मेरा तो क्या अपनी बेटी तक का ख्याल नहीं है। हमारे गरीब होने का एक फायदा तो हुआ, इस घटिया खानदान से हमारी जान छूट गई। क्या? अब भाई मुझे तो लड़की पसंद आ गई है।
शादी मेरे पुत्र ने करनी है। ओ माँ जी डन करें। पुत्र शादी की बात किससे करनी है? मुझसे कर लीजिए ना, मुझे सब पता है। ये चीज मेरे अजीज। लेकिन शादी की बात तो तुम्हारे अम्मी अब्बू से करनी पड़ेगी ना। हाँ तो उनसे कर लीजिएगा, वो लोग कभी आती होंगे काजी को लेके। काजी को लेके? हाँ मैंने उनको फोन करके सब कुछ पहले ही बता दिया। यार नबील तुमसे ज्यादा जल्दी तो इस लड़की को है। वो अच्छा ना मेहमू साहब, जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी हमारे हालात अच्छे होंगे। वो जो हमारे अच्छे होंगे वो हालात होंगे। हाँ जी। अच्छा जी। लगता है बाबा आ गए। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। दामादी जी जी आमादी जी गले लगो अब ये काजी साहब के गले लगो और ये सासू माँ। अच्छा चलो ठीक है बाबा, बाकी बात तुम्हारे बाबा आपसे करनी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ जाए। अच्छा चलो चलो बाबा जी, ये मेरी माँ जी है और ये महमूद साहब है और ये आपकी बेटी है। बाबा कैसा आए तू? बड़े बाबा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नबील ये कौन से बाबा हैं? महमूद साहब ये बड़े मुंह वाले बाबा है, लड़की के अब्बू है। यार नबील शक्ल से तो ये अमीर नहीं लगता। और महमूद साहब शक्ल से हम कौन से गरीब लगते हैं यार। ये भी ठीक है। और बाबा आप लोगों ने सारी बातचीत कर लिया ही ना मेरी छोकरी से? हाँ बाबा कर लिए। और चले बाबा काजी साहब निकाह पढ़ाना शुरू करें। इतनी जल्दी क्या है बाबा? अरे बाबा और जगह भी तो जाना है निकाह के लिए। आपने? और नहीं बाबा काजी साहब ने। चले बाबा काजी साहब बिस्मिल्लाह करें। ओए रुक जाओ। क्यों माँ जी? पुत्र निकाह ना अंदर करते, थोड़ी लोकेशन भी चेंज हो जाएगी, सीन भी नवा लग जाएगा। हाँ ये ठीक है, चलो 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 पापा देखे। ये आपके नौकर क्यों रो रहे हैं? रो नहीं रहे, इनके खुशी के आंसू हैं। दबा करें जी इनको, आप कार्रवाई शुरू करें। हक मेहर कितना होगा? बाबा 50 लाख लिखो। 50 लाख? बाबा बड़ा खर्चा किया है छोकरी पे, 50 लाख तो बनता है। लग तो नहीं रहा। वैसे नबील ठीक है ना, तुमने कौन सा तलाक देनी है इसे? और नहीं तो क्या पुत्र, जरा सोच। ये जो आदमी ना हक मेहर में 50 लाख रुपए लिखवा रहे हैं तो मुंह दिखाई में तुझे 5 लाख तो देगा देगा। अरे डन करे खाली साहब, डन करे। लड़की के बाप का नाम? बाबा अमीर लिखो। पापा जी आप अमीर तो हैं, लेकिन आपका नाम क्या है? बाबा नाम ही तो अमीर है, वरना मैं तो दूध की दुकान पे काम करता हूँ। क्या बाबा जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं ठीक बोल रहा हूँ बाबा। हेलो नबील, मैं बेताब बात कर रही हूँ, आप प्लीज मेरी जल्दी से बबलू से बात करवा दीजिए। अब क्या हो गया? अरे बबलू से कहिएगा उनका जो पार्टनर फ्रॉड करके भाग गया था ना, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और उनके सारे पैसे रिन्यू हो गए हैं। क्या? और हाँ ये भी कहिएगा कि घर कारोबार सब वापस आ गया है और उस फ्रॉडिये के सारे पैसे बबलू के पास आ गए हैं। और सबसे प्यारी और मजे की बात, मैं भी बबलू के पास वापस आ गई हूँ। क्या हुआ नबील? मैं तुम्हें तलाक 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 देता हूँ। अरे मुबारक हो बाबा, तलाक हो गई आई, निकालो 50 लाख रुपए। पापा जी चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा। चल बबल बनाते चलते